नमस्कार साहब। हाँ, कुछ पता चला क्या तुम्हें? सर आपने जिस तेजस का नंबर दिया था उसका कोई भी कॉल नहीं आया। उसने किसी को कॉल किया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसको कॉल किया है। पर हाँ सर, 18 तारीख के पहले एक ही नंबर से उसे कई बार कॉल आया है। वो नंबर है क्या? एक मिनट सर, लिख के देता हूँ। सर यही वो नंबर है, 9611614222। 9611614222। सर मुझे दीजिए। एक्सीडेंट में मारे गए आदमी के फोन पे इसी नंबर से ज्यादा कॉल गए हैं ना? एक मिनट सर, देख कर बताता हूँ। करेक्ट सर, इसी नंबर से गया है। लॉज से मिले हुए नंबर का, तेजस के नंबर का और इस नंबर का कोई ना कोई लिंक है। नमस्ते सर। मूर्ति सर, कैसे हो? मेरी छोड़िए सर, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था क्या सर? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं सर, कह रहे हैं मैंने एक्सीडेंट किया है, मुझसे बार बार पूछताछ कर रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, आपके घर में कोई लड़की थी वही कभी कभार उस गाड़ी को चलाया करती थी सर, यही कहा। मूर्ति तुमने ऐसा क्यों कहा? जो है मैंने कह दिया। देखो मूर्ति, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, वरना इसे भी मौत के घाट उतार देते। कौन है? कितने सारे राउडीज का खाल उधाड़ कर मैंने उन्हें उनके घर भेज दिया। तेजस सच बताओ क्या हुआ था? अरे कुछ हुआ होगा तो बताऊंगा ना, आप लोग जाइए यहाँ से। तेजस मानते हैं हम तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी आंखें हम देख सकते हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तुम्हारे चेहरे पे घबराहट क्यों है? बताओ तेजस। तेजस दरवाजा खोलो। तेजस अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे अपनी पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी। सर ये क्या है सर? मैं इज्जत से समझा रहा हूँ, चुपचाप सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्टॉप, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो वरना ठीक नहीं होगा, याद रखना। तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब यहाँ दूँ ऐसा कोई कानून नहीं है, मुझे जो कुछ कहना होगा मैं पुलिस स्टेशन में कहूंगा। मैं भी पुलिस वाला हूँ भाई, हटो। सर कैसा इंसान है? मैं इस ड्रेस में पुलिस वाला नहीं लगता क्या? सर आप तो दिखाई देते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं देख पाती ना। हाँ? लॉजिक है। गाड़ी निकालो जल्दी। ऑटो ऑटो ऑटो। अरे बाप रे, दिखाई नहीं दे रहा, लगता है सीधा पुलिस स्टेशन चला गया होगा, मेरी तो नौकरी गई। डरिए मत सर, देखते हैं क्या हुआ। दिखाई नहीं देता, अंधे हो, इतनी बड़ी रोड है सामने। ओहो पुलिस वाले हो ना, जब तुम्हारा दिल करेगा सिग्नल जंप करके निकल सकते हो, है ना? कानून तुम्हारे लिए नहीं बना क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट कहाँ है? इधर रखी है। ओहो तुम्हारी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी इसलिए हेलमेट नहीं लगाया है। ए कानून पब्लिक और पुलिस दोनों के लिए एक जैसा है, चलो हेलमेट लगाओ। सर आप अपने काम से जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। सुबह सुबह दिन खराब कर दिया मेरा, देखने में तो चोर दिखता है, पता नहीं किसने पुलिस वाला बना दिया। ये तो मुझसे पहले पहुंच गया, लगता है आज मेरी बहन बजने वाली है। कौन है आप? मिस्टर श्याम सुंदर। यस मैं हूँ। सच में श्याम सुंदर आप ही हैं ना? जी हाँ मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर श्याम सुंदर आप ही हैं ना? हे अपना नाम मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं ही श्याम सुंदर हूँ, आपको क्या चाहिए? हे राजा शेर। सर सर किसने इन्हें अंदर भेजा है, ले जाओ इन्हें बाहर। सर हे कौन है तुम, बाहर जाओ चलो। हे सच में मैं हूँ कि नहीं ये जानने के लिए क्लाइमैक्स में हीरो की तरह आ गया तू है? अगर वहीं पे पूछता तो मैं नहीं बताता क्या? सर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर वही है ना? वही है। आप श्योर तो है ना? खुद पे माचिस की तिली लगाकर पूछोगे तो भी मैं कहूंगा वही है। रिलैक्स बैठ जाओ, लगता है तुम बहुत बड़े टेंशन में हो, चेहरे पे दिखता है। एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हम इस केस को ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं, क्या हुआ था जरा खुलकर बताओ, हम जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। उस दिन भी मुझसे किसी ने ऐसा ही कहा था और मैंने उन पर भरोसा किया और वो मुझसे 20 लाख ले गए। वो कौन है तेजस? इंस्पेक्टर श्याम सुंदर। क्या कह रहे हो तुम्हें? जी हाँ सर, उस दिन उन्होंने यही नाम बताया था। सच में क्या हुआ था जरा हमें डिटेल में बताओ। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, 18 सितंबर की रात को मैं और वो मेरी कार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे,
अंजलि मुझे एक किस दो ना। तेजस मेरे होंठ तुम्हारे होठों को चूमना चाहते हैं। उसके लिए अभी बहुत टाइम है। अरे मान जाओ ना प्लीज, सिर्फ एक बार। उसी वक्त हमारी कार के आगे एक आदमी आ गया और अंजलि ने गाड़ी को टर्न किया। अंजलि क्या हुआ, तुमने ब्रेक क्यों लगाया? अंजलि अंजलि कुछ तो बोलो, अंजलि हुआ क्या है? अंजलि अंजलि बोलो। हमारी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ गया था और यह हादसा हो गया। अंजलि को मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो रात भर सोई नहीं, वो बात उसे खाए जा रही थी। और ठीक सुबह 5 बजे, अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? इंस्पेक्टर श्याम सुंदर, मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने अंदर आते ही मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी मेरी थी, उसे अंजलि चला रही थी, उसके हाथ से एक्सीडेंट हुआ, ये सारी बातें उसे पता चल गई थी। अंजलि यही है ना? जी हाँ सर। हिट एंड रन केस, एक बार ये केस रजिस्टर हो गया तो लाइफ लॉन्ग इंडिया छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। प्लीज सर, इस केस को आप संभाल लीजिए सर, आप जितना पैसा कहेंगे मैं अरेंज करके दूंगा सर। वैसे केस तो क्लोज कर दूंगा, लेकिन सामने वाले का कोई आ गया तो उसका मुंह बंद करने के लिए छोटी मोटी नहीं अच्छी रकम देनी होगी। नहीं तेजस, एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए सर। अंजलि तुम चुप रहो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सर, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। इस वक्त अंजलि कहाँ है? सर अंजलि का दिल बिल्कुल बच्चे जैसा है, मैंने उस पुलिस वाले को पैसे दिए ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मुझसे कहा कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उस बात की टेंशन में खुद के साथ कुछ कर लेगी। उस दिन जो वो गई आज तक मेरे पास लौट कर नहीं आई। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, डोंट वरी। अंजलि का लास्ट नंबर 222 है ना? जी हाँ सर। पर ये आपको कैसे पता चला? बताता हूँ। अंजलि कहाँ इस वक्त, उसका पता लगाने के लिए उसकी डिटेल्स चाहिए हमें। अंजलि से कितने दिनों से तुम्हारी जान पहचान है? सर हमारी जान पहचान कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो मेरे हाथों से बनी मूर्तियां देखने आई थी, वहीं हमारी दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई। वो अपने आप को NRI कहती थी ना? जी हाँ सर, वो मलेशिया से आई थी। उसने कहा था कि वो अपने दादा की प्रॉपर्टी बेचने आई है। जब वो यहाँ आई थी उस समय वो कहाँ रुकी थी? पहले कुछ दिन तो वो होटल में ही रुकी थी, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई तो मेरे साथ यहाँ आके रहने लगी। 35 साल से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा भरा हुआ था उसमें उसने रोशनी भर दी थी। उसके साथ गुजरा हुआ हर एक पल मुझे एक फिल्म के जैसा लग रहा था जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, पर अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी फिर से अंधेरी हो गई। इनकेस अंजलि मलेशिया चली गई हो, उसका वहां का नंबर है क्या? नहीं है सर। इसके अलावा और कोई डिटेल्स? नहीं है सर। हर बात पे नहीं बोल रहे हो, इतने दिन लव कैसे किया? जरा चुप रहिए ना सर। I loved her. अब इनकी सुनो, आजकल लोग पैसों के चक्कर में प्यार करते हैं, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है, तुम कैसे प्यार के चक्कर में पड़ गए? सर आप चुप रहिए। अरे छोड़ो यार। अंजलि के साथ तुमने कोई फोटो वगैरह निकाला है क्या? हाँ निकलवाया ना, पर फोटो उसके मोबाइल में है सर। तेजस अंजलि को तुम्हारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी ने भी देखा है क्या? नहीं सर। तुम दोनों एक साथ कभी कहीं बाहर घूमने गए थे क्या? कभी कभार हम दोनों रात में घूमने जाते थे। तुम 24 घंटे नाइट ड्यूटी करते थे क्या, हमेशा सिर्फ नाइट में क्यों जाते थे? सर प्लीज। बिल्कुल सर, मुझे तन्हाई से बहुत प्यार है, रात में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता था इसलिए हम कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। बहुत अच्छे, रात में और क्या क्या गुल खिलाए जरा वो भी बता दो। कितने दिन से सूखे सूखे घूम रहे, अपनी रासलीला ही बता दो। बताओ बताओ सर। तेजस रात के अलावा दिन के वक्त भी कहीं गए थे क्या? हाँ एक बार गया था, उस दिन मेरा जन्मदिन था, पहले हम दोनों मंदिर गए और फिर लंच करने गए थे। लंच ले रहे? कौन से रेस्टोरेंट में? 7th Heaven में। तुम्हारा बर्थडे क्या है? September 12th सर। September 12th। ओके तेजस, अंजलि के बारे में कोई और डिटेल मिले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।